तानाजी ट्रेलर के दो डायलॉग जिन्हें सुनकर मन बहुत खराब हो गया है। नमस्कार, तानाजी द अनसन वॉरियर 10 जनवरी 2020 को रिलीज होगी। ये ट्रेलर रिलीज हो चुका है। फिल्म को डायरेक्ट किया है ओम राउत ने। इसमें तानाजी का रोल किया है अजय देवगन। पत्नी के कैरेक्टर में दिखेगी उनके रियल वाइफ काजोल। उदय भान के नेगेटिव रोल में दिख रहे हैं सैफ अली खान। ऐसी फिल्म की खास बात, जब से ट्रेलर आया है अजय देवगन के फैंस बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। कुछ लोग उत्साहित नहीं हैं और उन्हें ट्रेलर औसत लगा, लेकिन हम यहाँ बात कर रहे हैं ट्रेलर के उन पहलुओं की जो शॉक में डाल गए। सबसे बड़ा शॉक रहा ट्रेलर में आया ये डायलॉग। इसके राइटर तानाजी के मेकर्स, जब शिवाजी राजे की तलवार चलती है तो औरतों का घूंघट और ब्राह्मणों का जनेऊ सलामत रहता है। इसके राइटर और तानाजी के मेकर्स ने न जाने क्या सोचा था, लेकिन आज के टाइम में ये डायलॉग बहुत गलत है। नंबर एक, क्योंकि घूंघट और जनेऊ के इस सिंबोलिज्म को पीछे छोड़ने के लिए हमारे समाज को न जाने कितनी लड़ाई लड़नी पड़ी है, हम फिर से वही नहीं लौट सकते। नंबर दो, क्योंकि ब्राह्मणों के जनेऊ की रक्षा में तलवार के उठाने में ये सिर्फ ये फिल्म गौरव महसूस करे, ये डरावनी बात है। इस डायलॉग के जरिए ये फिल्म थिएटर आने वाले दर्शकों को जातिवादी होने के प्रोत्साहित कर रही है। इसके हिसाब से वर्ग वेद अच्छी चीज है। इसके मुताबिक ब्राह्मण होना बड़े सम्मान की बात है। जाहिर है कि इस बार फिर इस फिल्म के जेहन में ऐसे लोग भी होंगे जो अस्पर्श होंगे और कई अननेचुरल होंगे। ये सब ऐसी बातें जिन्हें लिखते पढ़ते हुए रोए खड़े हो जाते हैं, कप कपी होती है, ये 2019 में हम देख रहे हैं। नंबर तीन, क्योंकि औरतों का घूंघट महानता की बात नहीं है। इस घूंघट से औरत की मुक्ति दिलाने के लिए दशकों से जंग चल रही है, लेकिन ये फिल्म पीछे लौटकर इसे फिर उसी में कैद कर दे रही है। इस आलोचना के खिलाफ ऐसे तर्क दिए जाते हैं कि ये तो पीरियड फिल्म है, पीरियड फिल्म में तो उस दौर की वस्तु स्थिति दिखाएंगे ही, लेकिन ये तर्क खोखला है। अजय देवगन की हेयर स्टाइल का जोल का उच्चारण, सैफ अजय के किरदारों के हवा में उड़ना, रस्सियों पर स्लाइड करना, क्या ये सब सत्य के करीब है? कितना करीब है? उस युग में नीची कही जाने वाली जातियों पर मराठा का अन्य शासकों के साथ अत्याचार थे। दरिद्रगी की हद तक पवित्रता अपवित्रता थी, फिर तो उसी से महामंडित कर दिया जाएगा। फिल्म बनाने के नाम पर फिल्म अगर दिखाई भी गई तो उसे महामंडित नहीं करेगी। फिल्म के हीरो अजय और विलेन सैफ का गुप्त से नाचना कौन सी सच्चाई है? लेकिन सिनेमैटिक लिबर्टी के नाम पर फिल्म ने मसाला भरा हुआ ना, तो क्या इस बात का ख्याल नहीं रखा जा सकता कि भाई हम ये घूंघट ब्राह्मण और जनेऊ को क्यों नहीं ग्लोरीफाई कर रहे हैं।